एक्चुअली रिकॉर्डिंग स्टार्ट करना था, इसलिए थोड़ा सा याद भी नहीं किया है। ठीक है, नो इश्यूज। फाइन, सो लास्ट सेशन हमने क्या देखा था? एनीवन? सिर्फ इनहेरिटेंस क्या होता है इसके बारे में बताया था हमने, उसके बारे में डिस्कशन किया था, राइट? सही है। या इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल वगैरह कुछ देखा था हमने? कैन यू सी माई स्क्रीन गाइज? इज इट विजिबल टू ऑल? यस, ओके, ग्रेट। तो लास्ट टाइम हमने कहाँ तक देखा था? आई एम नॉट गेटिंग एग्जैक्ट, इट मीन्स लाइक एक प्रैक्टिकल प्रोग्राम किया था। ओके, विच वन? यस, कौन से किया था? बिकॉज आई डोंट सी एनी प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंटेड, प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंटेड इनहेरिटेंस वाला प्रोग्राम। ठीक है, कोई बात नहीं। एबीसी क्लासेस, ओके, चलेगा। सो एबीसी क्लासेस हमने वो किस लिए देखा था? कि एक्सेस मॉडिफायर जो होते हैं ना, हमने तो वो सीखे थे, राइट? इट मीन्स हाउ एक्चुअली वी आर गोइंग टू एक्सेस दिस मेथड्स एंड ऑल। ओके, सो यहाँ पे हमने क्या क्या किया था? What are the different access modifiers, specifiers, और visibility, public, private, protected and default, right? तो ये सारे हमने देखे थे, ठीक तरह से implement भी करके देखे थे, right? Like we have created the two different packages, okay? और वो दो अलग packages में हमने different classes बना के उनका access modifier, protected वगैरह वो भी देख लिया था, okay? Fine. So let's go to here. Just a minute, हाँ। लेट मी स्टार्ट माई इक्लिप्स। वेयर इज नाउ? इज इट द ओल्डर वन? जस्ट मिनट गाइस। हाँ राइट, हेलियस में किया था हमने। या एक्चुअली स्टार्टेड द प्रैक्टिसिंग विद द इक्लिप्स, राइट? और मैं यहाँ पे देख रहा था। एबीसी क्लासेस बनाए थे एक्सटेंड, हाँ ग्रेट, ग्रेट। यूसेज डेटा अपलोड मत कर, सही, थैंक यू वेरी मच। अरे बताया करो यार। ठीक है, राइट। हमने क्या किया था? पैकेज वन माय जावा प्रोजेक्ट, राइट? इनसाइड दिस, हाँ, पैकेज वन, पैकेज टू बनाया था, एंड हियर वी हैव द एबीसी क्लासेस। ओके फाइन, सो नाउ इनसाइड दिस व्हाट वी हैव डन, ए डॉट जावा, बी डॉट जावा एंड सी डॉट जावा, ऐसे तीन क्लासेस देखे थे। यार ये कितने लोग घूमते हैं यार यार। तो ना एक्सटेंड्स बी, ओके, हाँ। सो बेसिक कॉन्सेप्ट देखा था हमने, राइट? टू चेक हाउ इज इनहेरिटेंस वर्क। ओके, सो द मेन कीवर्ड, विच कीवर्ड वी आर यूजिंग फॉर द इनहेरिटेंस? इनहेरिटेंस के लिए कौन सा कीवर्ड हम यूज करते हैं गाइस? विच इज द इम्पोर्टेंट वन? विच कीवर्ड्स कीवर्ड अलाउज अस टू इम्प्लीमेंट द इनहेरिटेंस? अदरवाइज विच कीवर्ड विल क्रिएट अ पेरेंट एंड चाइल्ड रिलेशनशिप? कौन सा है? एक्सटेंड्स, राइट? ठीक, चलेगा। सो नाउ बेसिक देखा था, सो नाउ लेट्स स्टार्ट विथ द टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस। ओके, ध्यान दो, कॉन्सेप्ट थोड़े से इंपॉर्टेंट है।
एक्चुअली सारे कॉन्सेप्ट इम्पोर्टेंट है। टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस, ओके, अभी टाइप ऑफ इनहेरिटेंस। सो इनहेरिटेंस में हमने जैसे देखा था कि पेरेंट और चाइल्ड रिलेशनशिप होता है, राइट? अगर हम फैमिली ट्री अगर देखेंगे हम, तो फैमिली ट्री कैसे बनता है अपना? लाइक विल हैव वन पेरेंट, देन विल हैव द चाइल्ड, राइट? देन अगेन विल हैव द मोर चाइल्ड्स, राइट? तो इसके भी कोई चाइल्ड है फिर से, राइट? सो हियर इट्स लाइक द चाइल्ड्स, राइट? सो ये चीज कैसे बनता है कि आपके जो रिलेशन है, ओके, फैमिली ट्री जो बन रही है, सो इन दिस वे बनते जाएगी, राइट? सो कौन से भी टाइप का हो सकता है, राइट? आइदर इन दिस वे और सिंपली विल हैव वन पेरेंट, उसका एक चाइल्ड है, राइट? ये भी एक पॉसिबिलिटी है, राइट? अदरवाइज विल हैव वन पेरेंट, ओके, देन विल हैव वन चाइल्ड, देन उसका एक बेटा है, राइट? दिस इज द केस, ऐसे भी हो सकता है, राइट? सो विल हैव द मेनी डिफरेंट कॉम्बिनेशंस, ओके? तो सारे कॉम्बिनेशंस को हम ना एक ही साथ इनहेरिटेंस ऐसे कॉन्सेप्ट नहीं बोल सकते। तो उन्होंने क्या किया है कि टाइप ऑफ इनहेरिटेंस बना दिया, ओके? टाइप ऑफ इनहेरिटेंस यानी कि कैसे? सो द फर्स्ट वन, जो फर्स्ट टाइप है, दैट इज नथिंग बट द सिंगल इनहेरिटेंस, ओके? सिंगल इनहेरिटेंस, सिंगल इनहेरिटेंस में क्या रहने वाला है? एक पेरेंट एंड वन चाइल्ड, फिनिश, इतना ही रहेगा। पेरेंट और चाइल्ड, हम दो, हमारा एक, ओके? छोटा परिवार, सुखी परिवार टाइप जैसे बोलते हैं। तो ये रहा सिंगल इनहेरिटेंस, ओके? अभी देखो यहाँ पे, इस सिंगल इनहेरिटेंस में मैंने एक क्लास क्रिएट किया, क्लास ए, अदरवाइज लेट मी कॉल दिस क्लास ए, ठीक है? बिकॉज क्लास ए, सो नाउ विल हैव क्लास बी एक्सटेंड्स ए, राइट? अभी इतना चीज तो हमें पता ही चलता है। तो इस सीन में क्या हो रहा है? इनटू दिस सीन, क्लास ए इज अ पेरेंट, राइट? ये जो है अपना, ये वाला, दिस इज नथिंग बट माय पेरेंट, राइट? और ये जो है अपना चाइल्ड। तो बस इतना ही सिंपल, एक ही क्लास और एक चाइल्ड। तो अगर ये वाला सिनारियो रहा, देन वी कैन कॉल इट एज अ सिंगल इनहेरिटेंस। समझ में आ रहा है? यस, वेरी सिंपल वन। पेरेंट के जो कुछ भी फीचर है, चाइल्ड में आने वाले, ओके? राकेश रोशन के फीचर्स ऋतिक रोशन में आने वाले, ठीक है कि नहीं? दैट इज नथिंग बट द सिंगल इनहेरिटेंस, ओके? सो नाउ अगर हमने प्रोग्राम में देखा हमारे, तो हैव यू इंप्लीमेंटेड द सिंगल इनहेरिटेंस गाइस? सिंगल इनहेरिटेंस बनाया था क्या हमने? देखो, ये मेरा ये क्लास है, ओके? दिस इज माय मेन क्लास, जहां पे हम एक्चुअली क्या कर रहे हैं, कॉलिंग द डिफरेंट मेथड्स, ओके? तो मेरे पास बी एक क्लास है, बी में क्या है, आई विल हैव द सम मेथड्स लाइक मेथड टू, देन डिस्प्ले, देन डिस्प्ले, ओके? देन आई हैव दी सी, ओके? ये सी क्या कर रहा है? सी एक्सटेंड्स बी। सो नाउ हु इज द पेरेंट एंड हु इज द चाइल्ड इन दिस प्रोजेक्ट? यस, हाँ गाइस, इस वाले सिनारियो में
इस प्रोग्राम में कौन पेरेंट है और कौन चाइल्ड है। बी इज पेरेंट, सी इज पेरेंट, ओके। बाकी लोग क्या बोल रहे हैं, क्या खाना चल रहा है, ब्रेकफास्ट। बी इज अ पेरेंट, ओके। सी इज अ चाइल्ड एंड बी इज अ पेरेंट, ओके। बी इज पेरेंट, ओके। सी इज चाइल्ड, बी पेरेंट। वेरी गुड, ठीक है। वैष्णवी ने क्या बोला, सी इज अ पेरेंट, ओके। सो देखो कैसे हो रहा है, कौन एक्सटेंड कर रहा है फीचर्स, सी, राइट। किसके फीचर्स एक्सटेंड कर रहा है, बी, राइट। अपने एग्जाम्पल में कौन फीचर एक्सटेंड कर रहा है, ऋतिक रोशन। किसके फीचर्स एक्सटेंड कर रहा है, राकेश रोशन। सो राकेश इज अ पेरेंट एंड ऋतिक रोशन इज अ चाइल्ड, सो उसी हिसाब से यहाँ पे आएगा, राइट। सो नाउ हियर सी इज अ पेरेंट चाइल्ड एंड बी इज अ माय पेरेंट, और ये क्या है फिर, ग्रैंड पेरेंट। व्हाट इज ए देन, ए इज अ नॉर्मल जावा क्लास, पोजो क्लास, विच इज हैविंग द मेन मेथड, जहां से एक्चुअली हम कॉल देने वाले, ओके, फाइन। सो नाउ इस चीज को हमने कहा था सिंगल इनहेरिटेंस, सिंपल वन, ठीक है ना, एकदम छोटा वाला कंसेप्ट, वेरी सिंपल कंसेप्ट, राइट। सो नाउ अगर मुझे बताओ, इस पेरेंट के ये जो मेथड्स है प्राइवेट रहे, ये मेथड प्राइवेट है, ये मेथड प्राइवेट है, ओके, तो वो इस चाइल्ड को एक्सेसिबल रहेंगी क्या। तो चाइल्ड है ना, चाइल्ड को एक्सेस होनी चाहिए कि नहीं, तो हो रही कि नहीं यहाँ पे, सी क्या बोल रही है, सी नॉट विजिबल, राइट। व्हाई, बिकॉज वो हमने प्राइवेट किया, जब हम प्राइवेट करते हैं तो क्या हो जाता है, उस क्लास के लिए ही, उतने ही पर्पस के लिए वो एक्सेसिबल होता है, राइट। तो हमने इसको अभी प्राइवेट प्रोटेक्टेड कर दिया, ओके। सो नाउ लेट मी क्रिएट वन पैकेज हियर एंड से दी सिंगल इनहेरिटेंस, ओके। सिंगल इनहेरिटेंस का पैकेज बना देता हूँ, ठीक है। अभी इस पैकेज में व्हाट आई विल डू, आई विल क्रिएट वन क्लास कॉल्ड द पेरेंट क्लास, I'll create one more class called the child class. Okay. तो देखो पेरेंट में क्या करता हूँ, वॉट आई डू, आई क्रिएट वन डिस्प्ले मेथड, ओके, और तुमने प्राइवेट बना दिया, तो नाउ दिस आउट इन पेरेंट क्लास इन दिस मेथड पेरेंट सी, ओके। सो चाइल्ड ने क्या किया, एक्सटेंड्स किसे कर रहा है वो, पेरेंट, ओके। सो नाउ लेट्स से आई क्रिएट वन मेथड हियर, वन मोर क्लास, I'll call it the main class, okay, which is having the main method. तो वो ABC क्लास वाला प्रोग्राम रन कर कर दिखाओ ना,
वो एबीसी वाला जो हमने किया था, तो उसमें क्या था, डिफरेंट पैकेजेस में थे, राइट, वेयर इन द टू डिफरेंट पैकेजेस. तो नाउ व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू इन अ सिंगल पैकेज, फर्स्ट अंडरस्टैंड इन अ सिंगल पैकेज, राइट. ये सिंगल पैकेज में एक बार आपको समझ में आ गया तो डिफरेंट पैकेजेस में वो रन होता है कि नहीं, वो आप बताओ मुझे. देखो, हैविंग द डिफरेंट पैकेजेस, राइट, तो वहां पे क्या होने वाला है, जस्ट स्कोप चेंज होता है, राइट, मेथड्स का. एक पैकेज में दूसरे पैकेज में है, कहीं से हम कॉल दे रहे हैं, तो आपको समझ में आना चाहिए उस टाइम पे, ठीक है. विल सी द फर्स्ट विल सी इन अ सिंगल पैकेज, ओके. हाँ, तो यहाँ पे अभी मैं क्या करूँ बताओ, कैन आई क्रिएट द चाइल्ड सी इज इक्वल्स टू न्यू चाइल्ड, ओके. नाउ सी डॉट, देखो यहाँ पे कौन से मेथड्स है, किस मेथड के, किस क्लास के मेथड्स मेरे पास अवेलेबल है. यस, ऑब्जेक्ट. सो मेरा जो पेरेंट था, इस पेरेंट को मैंने अभी पब्लिक कर दिया, आई विल मेक इट एज अ पब्लिक, ओके. एंड नाउ लेट मी सी, अवेलेबल है क्या, राइट. समझ में आ रहा है. तो मुझे बताओ, चाइल्ड को पेरेंट के ऐसे कौन से चीज होते हैं जो प्राइवेट रखने हैं, फॉर एग्जाम्पल उनका कबर्ड है, राइट. उनका क्या है, कबर्ड. ठीक है, उसमें उन्होंने बहुत सारे पैसे रखे हैं, तो उसका डायरेक्ट एक्सेस देंगे क्या चाइल्ड को. तो बस चिल मारते बैठेगा फिर चाइल्ड, है कि नहीं, कमाना ही नहीं है, सिर्फ एंजॉय करना है, देन चलेगा ऐसे. नहीं चलने वाला, राइट. तो उसको उन्होंने क्या कर दिया, पेरेंट ने उसको बोल दिया, मैं तुझे वो चीज नहीं देने वाला, सो व्हाट आई विल डू, आई विल मेक इट प्राइवेट, मैं प्राइवेट बना देता हूँ. तो उन्होंने बोला कि बाइक है, ओके, तू बाइक लेके जा, क्या कर, तू बाइक लेके जा, तू बाइक लेके घुमा, तुझे जहाँ पे घुमाना है, ऐश करना ऐश कर ले. तो फिर यहाँ पे क्या एक्सेस हो जाएगा फिर इस बंदे को, राइट, बाइक अवेलेबल हो जाएगा, ठीक ही नहीं. लेकिन कबड़ अवेलेबल रहेगा, तो उन्होंने क्या किया, इस चीज को प्राइवेट बना के रख दिया, जो मुझे एक्सेस नहीं देना है, इवन आई डोंट वांट टू गिव द एक्सेस टू द चाइल्ड, ओके. तो वो चीज हम प्राइवेट कर देंगे. गेटिंग माय पॉइंट एवरीवन, यस. गाइस, यस, ओके, वेरी गुड, फाइन. सो ये रहा आपका सिंपल वाला एग्जांपल, कौन सा वाला, सिंगल इनहेरिटेंस, एक पेरेंट और एक चाइल्ड, बस. चाइल्ड के पास कुछ भी नहीं है, त्याचं काही कर्तृत्वच नहीं है, फक्त पप्पांच्या जीवावरती उडतोय तो, बरोबर. पण पप्पांनी काय म्हटलंय, कबड्डीचं मी तुला ऍक्सेस देणार नाही, राइट, मैं आपको इसके ऍक्सेस नहीं देने वाला, बाकी चीजें लेके जा भाई तू, लेकिन कबड्ड जिसमें पैसा भर के रखते हैं हम, वो चीज मैं तुझे नहीं देने वाला, बस वो चीज यहाँ पे अप्लाई हो गया, ओके. सो दैट इज नथिंग बट द सिंगल इनहेरिटेंस, फाइन. सो नाउ ओके, सो नेक्स्ट नेक्स्ट है अपने पास. हाँ, अभी आपने बोला था ना उस पैकेज में करके दिखाओ,
एबीसी क्लासेस, तो अभी बताओ इस एबीसी क्लासेस में क्या होने वाले देन। अगर मैंने ये जो मेरा क्लास बी है इसके मेथड्स अगर मैंने प्राइवेट कर दिए तो ये अलग पैकेज में है और उसने उसको एक्सटेंड्स बी किया हुआ है, राइट सी, तो वहां पे एक्सेस होने वाले प्राइवेट मेथड जो है बी के, इज इट एक्सेसिबल टू सी, यहाँ पे भी नो, राइट, द कॉन्सेप्ट इज सेम, कॉन्सेप्ट सेम ही रहने वाला है, उसको वहां पे एक्सेस मिलेगा ही नहीं। ओके पूजा, हाँ सर, फाइन, तो सी नाउ लेट्स गो टू मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। अभी मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस यानी कि क्या रहने वाला है, यहाँ पे है ए, करंट ए, देन उसका चाइल्ड है बी, देन बी का चाइल्ड है सी, सी का चाइल्ड है डी, डी का चाइल्ड है ई, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक एक लेवल अप होते जा रहा है, राइट। यहाँ पे एक हो गया, देन विल हैव द वन मोर, इस बंदे का एक बेटा है, बी का एक बेटा है सी, सी का एक बेटा है डी, डी का एक बेटा है ई, राइट, ऐसे लेवल में ऐसे आगे बढ़ते चला जाएगा, नो इश्यूज, राइट। बट द थिंग इज व्हाट, अगर ऐसे ये चीज हो रहा है, ओके, ऐसे बढ़ते जा रहा है, तो इसका मीनिंग क्या है। अभी देखो यहाँ पे, पहले तो मैं काम कर देता हूँ, आप तीन ही क्लास हम पहले कंसिडर करते हैं, ओके। तो देखो इस बंदे ने, ए वाले के पास इसने क्या किया, 5 एकर्स का उसके पास फार्म है, ओके। तो वो 5 एकर्स बी को भी मिलेंगे, एक ही चाइल्ड है ना, ठीक ही नहीं। तो इस बंदे ने क्या किया, एक कार ले ली बी ने, ओके। तो फिर अभी बी के पास क्या क्या प्रॉपर्टी रहने वाली है, 5 एकर्स लैंड एंड कार, दोनों चीज रहने वाली, राइट, ठीक है। तो सी के पास क्या रहेगी, ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट ए के पास जो थे प्रॉपर्टीज वो बी के पास आएंगे, बी के पास जो थे वो सी के पास आएंगे, यानी कि यहाँ पे जो राकेश रोशन था, ओके, राकेश रोशन के पास इतने सारे प्रॉपर्टीज थी, ओके, तो उन्होंने क्या किया, उनके प्रॉपर्टीज इनहेरिट हो गए ऋतिक रोशन के पास, अभी ऋतिक का आगे का जनरेशन आ रहा है, राइट, नाम क्या है मुझे नहीं मालूम, ओके, लेट्स से एक्स वाई जेड, ओके। तो इस बंदे के पास क्या हो जाएगा फिर, ये जो सारे प्रॉपर्टीज थे वो तो आने ही वाले हैं, राइट, ये भी एक्सेसिबल है, यहाँ से इनहेरिट होके यहाँ पे आए, यहाँ से इनहेरिट होके यहाँ पे आए, और वो बंदा खुद से भी कुछ ऐड कर सकता है, राइट। इस बंदे के पास एक कार था, तो उसने क्या किया, अभी नेक्स्ट टाइम पे उसने 3 कार्स बना ली, ओके, खुद के 3, पापा का एक और उसके ग्रैंड पेरेंट का एक, राइट। तो इस हिसाब से क्या हो रहा है, उनके पास प्रॉपर्टीज बढ़ते चली जाएंगी, राइट। तो अभी यहां पे कैसे बनेगा फिर, लेट मी रिफैक्टर दिस, रिफैक्टर यानी कि रिनेम करना है, ओके, रिनेम करके मैं इसे कह देता हूं इनहेरिटेंस, कंटिन्यू, वो ऑटोमेटिकली हर जगह पे वो चेंज कर दे, ओके। तो देख नाउ यहाँ पे इनसाइड दिस पेरेंट है चाइल्ड है, तो मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, एक क्लास बना देता हूँ ग्रैंड पेरेंट, ओके,
ग्रैंड पेरेंट। सो नाउ रिलेशनशिप बताओ कैसे बनेगा फिर। विच क्लास एक्सटेंड्स विच क्लास? अभी ये जो मेथड है मेरे पास क्लास है, यहाँ पे मैं एक डिस्प्ले मेथड लिख देता हूँ। ओके पब्लिक वाला एंड सिंपली एल से सिस आउट एंड आई एम इन ग्रैंड पेरेंट्स। ओके तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आएगा क्या कुछ? यस डार्विन वी नीड टू एक्सटेंड दिस क्लास। इसे एक्सटेंड करेगा वो ग्रैंड पेरेंट, राइट? तो इस ग्रैंड पेरेंट को उसने एक्सटेंड किया। नाउ पेरेंट को कौन एक्सटेंड करेगा देन? चाइल्ड को, चाइल्ड एक्सटेंड दिस पेरेंट, राइट? सो नाउ एट दिस प्लेस इफ आई क्रिएट द चाइल्ड सी एच इज इक्वल्स टू न्यू चाइल्ड। ओके देन सी एच डॉट अगर मैंने किया तो कुछ आने वाला है? चाइल्ड का कंस्ट्रक्टर वगैरह क्रिएट कर बोलता है। ओवरराइड मेथड यहाँ पे करने के लिए बोल रहे हैं। नहीं ओवरराइड अभी नहीं करना है, जस्ट मिनट। हाँ Let me go to this class. Now, child का मैंने ये क्रिएट किया। तो देखो इन चाइल्ड वी डू नॉट हैव एनी कोड, राइट? कुछ भी कोड नहीं है। बट व्हेन आई गो टू हियर, तो यहाँ पे मुझे क्या मिल रहा है? ग्रैंड पेरेंट का डिस्प्ले मेथड मिल रहा है, राइट? पेरेंट का मुझे बाइक मिल रहा है। समझ में आ रहा है सिंपल कॉन्सेप्ट? ये चीज समझ में आ रहा है सबको? वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट। वहां पे क्या हो रहा है, एक क्लास को हम एक्सटेंड करते जा रहे हैं, फाइन। तो ये वाला सीन कभी भी याद रखना, ग्रैंड पेरेंट पेरेंट एंड देन चाइल्ड। ओके आप एबीसी क्लासेस बनाओ और उसको एक्सटेंड करते जाओ, चलेगा? ओके फाइन। सो नाउ दैट इज नथिंग बट आर तो मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। ओके सो नाउ नेक्स्ट नेक्स्ट चलते हैं। देयर हायरार्किकल इनहेरिटेंस। अबे हायरार्किकल इनहेरिटेंस यानी कि क्या होता है? या हायरार्किकल यानी कि दैट इज नथिंग बट दी आपका फैमिली ट्री। ओके फैमिली ट्री, फैमिली ट्री यानी कि कैसे बनेगा? मेरे पास एक एक पेरेंट है, देन उसका एक चाइल्ड है बी। ओके दो चाइल्ड है, एक है सी। ओके देन बी के पास डी और ई। ओके देन सी का एफ और जी, फाइन। तो यानी कि ए इज माय मेन पेरेंट, रूट पेरेंट, देन बी, देन सी, देन डी, देन ई, देन एफ, देन जी। ओके तो यहाँ पे क्या हो जाएगा फिर, ये ऐसे आपका ट्री बनेगा। ट्री हमेशा बनाना, यानी कि क्या हो जाएगा आपको इजी हो जाएगा मेथड से, फाइन। ये बन जाएगा मेरा ट्री। सो इस फैमिली ट्री, इस
में अगर आपके मेथड्स क्लासेस रहेंगे तो हम उसे कहेंगे हायरार्किकल इनहेरिटेंस। अभी उसमें कैसे रहेगा बताओ। सो नाउ ए इज माय मेन पेरेंट और रूट क्लास, ओके। देन बी क्लास कैसे बनेगा अभी? यस, हाउ दिस बी बिकम्स क्लास बी एक्सटेंड्स ए, राइट? ठीक है नहीं? देन डी, डी में कैसे रहेगा? डी एक्सटेंड्स बी, राइट? देन ई एक्सटेंड्स बी, राइट? यानी कि इस बंदे के प्रॉपर्टीज इन दोनों के पास रहेंगे, राइट? देन यहाँ पे ए बी ए सी, सी एक्सटेंड्स ए, एफ एक्सटेंड्स सी, जी एक्सटेंड्स सी, तो इन दोनों के पास किसके प्रॉपर्टीज है? इसके प्रॉपर्टीज है। सो ऑटोमेटिकली सारे प्रॉपर्टीज इन जो लीफ नोड्स है ना चाइल्ड से, उनको उनके पेरेंट्स के प्रॉपर्टीज मिल जाएंगे। शैल आई इंप्लीमेंट दिस और यू यू गॉट अ कंसेप्ट? यस गाइस, इंप्लीमेंट करना है या समझ में आ जाएगा? सेम चीज करना है हमें। कैसे? मेरा एक मेन पब्लिक क्लास ए रहने वाला है, राइट? क्या रहेगा? क्लास बी एक्सटेंड्स ए। सर डू प्रैक्टिकल, ओके। ये चीज एक्चुअली मैं आपको बोलना चाहिए कि आपके सिस्टम में प्रैक्टिकल करके दिखाओ मुझे, बट लेट्स सी। फाइन, चलो कोई प्रॉब्लम। अभी यहाँ पे क्या करेंगे हम, इसका मैं ये वाले एरर निकाल देंगे, ठीक है? नाउ लेट मी क्रिएट वन पैकेज एंड से इनहेरिटेंस, ओके। सो नाउ इसमें क्या करेंगे, हमने क्लास बनाया ए, देन क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी। देखो ऐसे भी कर सकते हैं, यहाँ पे आया, राइट क्लिक, कॉपी करो उसको, ओके, देन पेस्ट। वो पूछेगा कौन सा क्लास नाम देना है, ई ई दे दिया। अभी मेरे पास कॉपी है ना, उसको सिर्फ मैं कंट्रोल भी कर दूंगा, राइट? देन एफ, तो सेम क्लास को बनाते जाएंगे, ओके। सो नाउ क्लास ए है मेरे पास, ओके। सो इनटू दिस क्लास ए, इस क्लास को मैं क्या कहूंगा, लेट मी क्रिएट वन मेथड, एक डिस्प्ले नाम का, ओके। जो डिस्प्ले नाम का मेथड रहेगा, ओके। इस मेथड में एल से सिस आउट रूट क्लास ए, ओके, ये रूट क्लास। सो नाउ अभी बी क्लास में मैं क्या लिखूं बताओ आप? यस, व्हाट इट इज बी? किसे एक्सटेंड करेगा? ए, राइट? देन सी किसे एक्सटेंड करेगा? एक्सटेंड्स ए, राइट? लेट मी क्लोज दिस क्लासेस, ओके। नाउ डी, डी किसे एक्सटेंड करने वाला है? हुज प्रॉपर्टीज? बीज, राइट? तो यहाँ पे एक्सटेंड्स बी। ई क्लास, ई किसे एक्सटेंड कर रहा है? यस,
ए एक्सटेंड्स बी, फाइन। नाउ एफ, एफ किसका एक्सटेंड कर रहा है? एफ एक्सटेंड सी। ओके नाउ लेट मी क्रिएट वन मोर क्लास, अगर सेम ही चाहिए तो जी। ओके तो जी एक्सटेंड्स, जी लिखा है क्या हमने ऑलरेडी? नहीं। ओके हाँ, जी एक्सटेंड्स सी, बी एक्सटेंड्स ए, बी एक्सटेंड्स ए लिखा है ना हमने, राइट? चैट बॉक्स में लिखा था। ओके पहले बोला ठीक है। सो देखो कैसे हो गया, ये जो है ए इज माय रूट क्लास, देन बी और सी कौन है? बी और सी, ए के दो चाइल्ड है, राइट? देन सी किसका चाइल्ड है? बी का। ई किसका चाइल्ड है? बी का। एफ सी जी सी। ओके सो नाउ इफ आई क्रिएट वन मेन मेथड क्लास, मेन एक मेन क्लास, ओके एंड इफ आई राइट इट हियर मेन मेथड, ओके और यहाँ पे चलो मैं किसका एक ऑब्जेक्ट बना देता हूँ? डी का। ओके किसका? डी। सो नाउ डी, डी इज इक्वल्स टू न्यू डी। तो डी डॉट क्या आना चाहिए मेरे पास? सी। डायरेक्टली उसके जो ग्रैंड पेरेंट्स थे, रूट वाला जो था, राइट, ये वाला, वो डायरेक्टली से एक्सेसिबल हो गया, राइट? डी को हमने इसको रन कर दिया, तो प्रिंट किया क्या? रूट क्लास ए, राइट? सुनना इन दिस वे, अगर इस बी में इफ आई क्रिएट, ओके डिस्प्ले बी मेथड, ओके डिस्प्ले किसका है? बी का है। एंड आई क्रिएट वन दिस आउट एंड एल से इन क्लास बी, ओके और मैं इस प्रोग्राम को रन किया तो क्या प्रिंट करेगा अभी? यस सॉरी जस्ट मिनट, पब्लिक, ओके पब्लिक किया मैंने उसको। अब जब मैं इस क्लास को रन करूंगा, डी डॉट डिस्प्ले बी, ओके तो क्या करने वाला है? वी आर गोइंग टू गेट ऑल दी प्रॉपर्टीज फ्रॉम ए का भी प्रॉपर्टी आ गया और बी के भी प्रॉपर्टीज उसके पास। समझ में आ रहा है? सिंपल कॉन्सेप्ट है, यानी कि इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट किया तो ये चाइल्ड को इसके भी मेथड्स अवेलेबल है और इसके भी मेथड्स अवेलेबल है। अगर मैंने इस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया तो सेम चीज होने वाला है क्या? यस गाइस, इफ आई क्रिएट द ऑब्जेक्ट ऑफ ई क्लास, अब ऑब्जेक्ट ऑफ ई तो डायरेक्टली कॉल हो जाएगा। जस्ट अ मिनट, जस्ट अ मिनट, ओके तो यहाँ पे व्हाट आई एम सेइंग, लाइक एफ का मैंने एक ऑब्जेक्ट बना दिया, एफ एफ इज इक्वल टू न्यू एफ, देन एफ डॉट क्या आ रहा है मेरे पास? यस ओनली आई गॉट दिस डिस्प्ले, राइट? तो जो बी का जो प्रॉपर्टी था ये मुझे एक्सेसिबल है क्या? यहाँ पे जब मैं इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा हूं,
गेटिंग माई पॉइंट गाइस? एफ डॉट डिस्प्ले बी आ रहा है मेरे पास, नो no, राइट right? उसके प्रॉपर्टी मुझे नहीं मिलने वाले यहाँ पे। सी एफ का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है मैंने, एफ कहाँ पे है? यहाँ पे है। काकांची प्रॉपर्टी मला पाहिजे, अंकल की प्रॉपर्टी मुझे चाहिए, चलेगा? चलने वाला है? ऐसे होता है? नो राइट तो वो चीज यहाँ पे आपको दिखाई दे रही है। हाँ, आपके जो ए है, ए के प्रॉपर्टीज आपके पास इनहेरिट होते आएंगे, राइट right? लेकिन यहाँ इस बंदे के प्रॉपर्टीज आपको नहीं मिलेगी, इस बंदे की प्रॉपर्टीज उनके बेटे को मिलेगी, राइट इनटू द सेम वे। यहाँ पे जो कुछ भी रहेगा इनके प्रॉपर्टीज इनको आने वाली है, राइट लेकिन इन्हें नहीं मिलने वाला। हाँ सर, चार्जिंग, ओके ओके, थैंक यू वेरी मच। ठीक है, समझ में आ गया गाइस? हायरार्किकल इनहेरिटेंस समझ में आ रहा है सबको? हाउ वी आर इंप्लीमेंटिंग दिस वन? देखो सिंपल कॉन्सेप्ट है, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है, मजे वाले कॉन्सेप्ट। इन कॉन्सेप्ट के साथ आप खेलते बैठोगे ना तो मजा आएगा। ओके सुना। उसके बाद नेक्स्ट है मेरे पास मल्टीपल इनहेरिटेंस। मल्टीपल इनहेरिटेंस, अभी मल्टीपल इनहेरिटेंस क्या बोलता है? यहां पे एक पेरेंट है और बी एक पेरेंट है और इन दोनों का एक सी चाइल्ड। ओके, ए बी एंड देन सी। ओके नाउ यहां पे ए के प्रॉपर्टीज भी आ गए और बी के प्रॉपर्टीज भी आ गए। सो ये हो गया मल्टीपल इनहेरिटेंस, यानी कि एक ही क्लास को मल्टीपल पेरेंट्स, ओके मल्टीपल पेरेंट्स के प्रॉपर्टीज मिल रहे उसे। ओके समझ में आ रहा है? तो ये वाला चीज जो है इसे कहते हैं मल्टीपल इनहेरिटेंस। इज दिस पॉसिबल गाइस? दो पेरेंट्स एक चाइल्ड। एक चाइल्ड के एक ही पेरेंट होते हैं ना, राइट? नो राइट? नो सर, वेरी गुड, नॉट पॉसिबल। दैट इज नॉट पॉसिबल। सो मल्टीपल इनहेरिटेंस यहां पे सपोर्ट नहीं करता। जावा कैन नॉट सपोर्ट मल्टीपल इनहेरिटेंस, नॉट अलाउड इन केस ऑफ क्लासेस। ओके व्हाट आई एम सेइंग, नॉट अलाउड इन केस ऑफ राइट क्लासेस। ठीक है, नॉट अलाउड इन केस ऑफ क्लासेस, राइट? सो ये चीज याद रखना, दिस इज द इंटरव्यू क्वेश्चन, 101% पूछेंगे आपको। अगर इनहेरिटेंस पे वो बंदा कुछ पूछना चाहता है ना तो मल्टीपल इनहेरिटेंस पूछेगा, आप सिनारियो दे देगा और बोलेगा कि चलो लिख दो ये वाला बनाओ। तो यू गाइज मस्ट बी ओके
कॉन्फिडेंट कि सर ये चीज नहीं चलता, ये नहीं होने वाला। जावा में क्लासेस में मल्टीपल इनहेरिटेंस चलता ही नहीं। ओके लेट्स सी, अगर मैं यहां पे नाउ आई विल रिमूव दिस वन, ओके, और एक क्लास में एक पैकेज क्रिएट कर देता हूँ, लेट्स से मल्टीपल इनहेरिटेंस। ओके देखो कितना इजी है, एक ही प्रोजेक्ट बनाया, राइट, एक ही प्रोजेक्ट में पैकेजेस बनाया, पैकेजेस के अंदर हम अपना काम करते बैठे, राइट, वेरी सिंपल। सो इसलिए आईडी काम में आता है, ओके, ए देन बी देन सी। सो नाउ सीन बताओ कैसे है, कौन किसे एक्सटेंड कर रहा है हियर, यस, कैसे लिखूं मैं इन क्लास सी, वी नीड टू राइट, राइट, सी एक्सटेंड्स, किसे एक्सटेंड्स कर रहा है, ए, राइट, और आगे बी कैसे लिखूं मैं, फिर से एक बार एक्सटेंड्स लिखो, बोलते ऐसा कुछ होता ही नहीं है भाई, एक्सटेंड्स नहीं चलने वाला, राइट, एक्सटेंड्स बी, क्या बोल रहा है ये, सिंटैक्स एरर, राइट, सिंटैक्स एरर, यानी कि एक्सटेंड्स के बाद इम्प्लीमेंट्स एक्सपेक्टेड है, ये आगे है कंसेप्ट, अभी नहीं देखेंगे, ठीक है, लेकिन आपने क्लास का नाम दे दिया, मैं फिर से एक्सटेंड्स लिख दिया, ये नहीं चलेगा बोल रहे हैं, एक बार तूने एक्सटेंड लिखा, ठीक है चलो फिर ये निकाल देते, ऐसे लिख देते हैं, ये एंड बी सपोर्ट कर रहा है, बोले ये तो है ही नहीं, कॉमा दे देता हूँ, चलेगा, नहीं चलने वाला, राइट, यानी कि मल्टीपल इनहेरिटेंस जावा सपोर्ट करेगा ही नहीं। जब भी आप कोड लिखोगे ना उसी टाइम पे आपको वो कंपाइल टाइम एरर देने वाला, समझ में आ रहा है, वो पूछेगा इफ आई राइट एम्परसेंट, इफ आई राइट एंड, इफ आई राइट वंस अगेन एक्सटेंड्स, ओके, ऐसे में लिख देता हूं, चलेगा, बी कॉन्फिडेंट सर, मल्टीपल इनहेरिटेंस इज नॉट अलाउड, राइट, समझ में आ रहा है ये चीज, और इसी चीज को यहां पे कहा जाता है इसे डायमंड प्रॉब्लम, व्हाट इट इज डायमंड प्रॉब्लम, राइट, इसे डायमंड प्रॉब्लम क्यों कहते हैं, बिकॉज ये डायमंड की तरह दिखता है, यहाँ पे एक अगर इसका क्लास रहा ऊपर, ओके लेट्स कंसीडर जेड एक क्लास है उसका, तो वो क्या कर रहा है, यहाँ पे इनहेरिट किया और इसे भी इनहेरिट किया, तो क्या बन रहा है, इट्स अ मल्टीपल इनहेरिटेंस, एक पेरेंट है उसके दो चाइल्ड है, और ये दो चाइल्ड का एक ही कॉमन चाइल्ड है, राइट, तो ये बन गया डायमंड प्रॉब्लम, तो ये डायमंड प्रॉब्लम कहते हैं, याद रखना, इसे डायमंड प्रॉब्लम, तो ये डायमंड प्रॉब्लम है, दैट डायमंड प्रॉब्लम इज नथिंग बट द मल्टीपल इनहेरिटेंस, ओके, तो ये चीज क्यों सपोर्ट नहीं करता, ये क्यों, ये इसे प्रॉब्लम क्यों दे रहा है, दैट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट, व्हाई जावा नॉट सपोर्ट मल्टीपल इनहेरिटेंस, सो लेट्स कंसिडर, ओके, इस ए में एक मेथड है M1, ओके, बी में भी एक मेथड है M1, राइट, तो जब यहाँ पे सी में, ओके, सी के पास दो M1 M1 मिल जाएंगे ना, तो फिर सी विल गेट कंफ्यूज, सी कॉल कर देगा C.M1, ओके, तो फिर जावा बोल देगा किसका M1, ए का M1 कॉल करूँ या बी का M1 कॉल करूँ, देखो इनसाइड दिस मेथड विल वी कैन हैव द डिफरेंट कोड्स, राइट, अलग कोड अपने पास रह सकता है, ठीक है नहीं, इसका ए का M1 मेथड है उसका लॉजिक अलग है, बी का एक M1 मेथड है उसका लॉजिक अलग है, और सी क्या कर रहा है, सी इज कॉलिंग लॉक C.M1, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, कंफ्यूजन हो जाएगा,
आपका जो जावा जेवीएम है, जावा कंपाइलर जो है, वो कंफ्यूज हो जाएगा, भाई मैं कौन से M1 को कॉल करूं, इज इट ए क्लास ए का M1 कि क्लास बी का M1। सो दैट इज द कंफ्यूजन, और उस कंफ्यूजन को ही मुझे अलाउ करना ही नहीं है, बोलेगा वो। तो इसलिए जावा कैन नॉट सपोर्ट मल्टीपल इनहेरिटेंस इन केस ऑफ क्लासेस। आर यू गेटिंग माई पॉइंट गाइस? इट्स इंटरव्यू क्वेश्चन ना, इंटरव्यू क्वेश्चन है, सो कीप इन माइंड। अंडरस्टूड एवरीवन? हाँ ये कंफ्यूजन है। डू यू हैव एनी क्वेश्चंस? गॉट इट? पूजा को समझ में आ गया? बस प्रणाली को भी समझ में आ गया। ओके, यानी कि दो ही प्लेस होने वाले अपने यहाँ पे, नहीं मानसी भी प्लेस होने वाली है। ओके okay. बाकी अमर, दर्शन, मुजम्मिल, राजेश, वॉट इट ना? हाँ चलेगा। सो ये है अपना मल्टीपल इनहेरिटेंस। सुनना, इसके बाद और एक छोटा सा टाइप है इनहेरिटेंस का ही। लेट मी एक्सटेंड इट अ बिट। नेक्स्ट इज अ एंड लास्ट वन इज हाइब्रिड इनहेरिटेंस। अभी आप ही बताओ हाइब्रिड का मतलब क्या होता है? हाइब्रिड इनहेरिटेंस यानी कि इस क्लास में क्या आने वाला है? इन दिस वे, सिंपली लेट मी टेक दिस वन। ओके, लेट मी टेक दिस वन। और यहाँ पे एक एच क्लास बना देता हूँ, आई क्लास बना देता हूँ, फाइन। तो ये हाइब्रिड यानी कि क्या रहने वाला है? इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल दिस इनहेरिटेंस। हाइब्रिड खिचड़ी बनने वाला है यहाँ पे, राइट? हाइब्रिड इनहेरिटेंस यानी कि यहाँ से ये वाला इसका चाइल्ड बन गया ये, राइट? और ये एफ का भी चाइल्ड बन गया। ओके, और ये एफ का, ये जी का, ये वाला है चाइल्ड। ओके, सुनना अभी मुझे बताओ, आपको इस हाइब्रिड में कौन से टाइप के इनहेरिटेंस दिख रहे हैं? डू वी हैव सिंगल इनहेरिटेंस इन दिस डायग्राम? सिंगल इनहेरिटेंस है क्या कहीं पे? कुछ सी ये वाला जो पार्ट है, कैन आई कॉल इट एज अ सिंगल इनहेरिटेंस, राइट? ठीक है नहीं? सो मल्टी लेवल इनहेरिटेंस कहाँ पे है? मल्टी लेवल, राइट? तो देखो, अगर हमने ये वाला ले लिया ए बी सी इन दिस वे, अगर ये ले रहे तो लेवल बढ़ते जा रहा है, राइट? एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक लेवल बढ़ते जा रहा है। सो दैट इज नथिंग बट माय मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, ये वाला, राइट? तो मल्टीपल इनहेरिटेंस कहाँ पे है? चलो, सिंगल इनहेरिटेंस बन गया, मल्टी लेवल भी बन गया,
हायरार्किकल देखते हैं। ऑब्वियसली यहां तक का जो पार्ट है ये तो मेरा हायरार्किकल बन ही रहा है, राइट। देन मल्टीपल इनहेरिटेंस कहाँ पे बन रहा है, यहाँ पे, राइट। तो दिस हाइब्रिड इनहेरिटेंस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल द इनहेरिटेंस, सो ये अलाउड है कि जावा में चलेगा? यस, क्या लगता है गाइस, व्हाट डू यू थिंक? यस, हाइब्रिड इनहेरिटेंस चलना चाहिए, इज इट अलाउड इन जावा? नॉट पॉसिबल, राइट। राजेश इज सेइंग वेरी गुड, नॉट पॉसिबल। और बाकी लोगों को क्या लगता है? नॉट पॉसिबल, बिकॉज यहाँ पे आ गया आपका मल्टीपल इनहेरिटेंस, और जहां पे मल्टीपल इनहेरिटेंस आ गया खत्म, वो सपोर्ट नहीं करने वाला। ओके, सो हियर इट्स अ कॉन्सेप्ट, ओके, दिस इज द कॉन्सेप्ट, तो याद रखना। गॉट इट गाइस? फाइन, यहां तक क्लियर है सबको, द टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस? तो देर इज द फाइव टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस, सिंगल, मल्टी लेवल, हायरार्किकल, मल्टीपल एंड हाइब्रिड। ओके, समझ में आ रहा है? एवरीवन अंडरस्टूड? ओके, सो नाउ, तो ये हो गया अपना नॉर्मल मेथड्स वगैरह कॉल कर। सो और एक चीज हम लिखते हैं आपके क्लास में, आपके क्लास में होते हैं इंस्टेंस ब्लॉक्स, राइट? आपने देखा होगा इंस्टेंस ब्लॉक्स भी होते हैं, इंस्टेंस ब्लॉक्स भी हो सकते हैं, वेरिएबल्स भी होते हैं, राइट। तो इंस्टेंस क्लासेस, वेरिएबल्स, ये सारे भी एक्सेसिबल होते हैं क्या? लेट्स चेक विथ मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। ओके, नाउ लेट मी क्लोज ऑल, ओपन दिस, ग्रैंड पेरेंट, पेरेंट देन चाइल्ड। ओके, देन आई विल मेरे पास। तो देख, अगर ग्रैंड पेरेंट्स के पास इंस्टेंस ब्लॉक कैसे बनाते हैं बताओ? यस, व्हाट इज इंस्टेंस ब्लॉक? यस गाइस, मुझे यहाँ पे एक इंस्टेंस ब्लॉक बनाना है, कैसे बनाएंगे? याद है कि भूल गए? एटलीस्ट एनीवन स्पीक आउट। इसने तो कुछ तो बताया, लेट मी चेक। मानसी इनसाइड क्लास, यस इनसाइड क्लास, यहीं पे लिखने वाले, राइट। कैसे लिखेंगे? यस, सिंपल, कर्ली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज, इज इट राइट? यहाँ पे आया, कर्ली ब्रैकेट ओपन किया और क्लोज किया, ओके। और यहाँ पे अगर मैंने लिखा सिस आउट में इंस्टेंस ब्लॉक ऑफ ग्रैंड पेरेंट, ये रन होगा क्या? यस, इफ आई गो टू दिस क्लास एंड इफ आई रन, क्या हो गया? इंस्टेंस ब्लॉक डायरेक्टली प्रिंट कर दिया उसने, राइट, ठीक है? नहीं, गेटिंग माई पॉइंट? तो मेरा ये इंस्टेंस ब्लॉक है, ये इंस्टेंस ब्लॉक को उसने क्या किया?
एग्जीक्यूट कर दिया, यानी कि इनहेरिटेंस कॉन्सेप्ट इज ऑल्सो सपोर्ट द इंस्टेंस ब्लॉक इनहेरिटेंस, राइट। अगर मैंने यहां पे एक इंस्टेंस ब्लॉक क्रिएट किया, ओके, एंड इफ आई राइट दिस आउट, इंस्टेंस ब्लॉक ऑफ पेरेंट, इस क्लास को मैं रन कर देता हूं, क्या प्रिंट किया? राइट, अगर मैंने इसे स्टैटिक कर दिया तो चलेगा क्या? यस, रन होगा, लेट्स रन हो गया। गेटिंग माई पॉइंट गाइज? यानी कि स्टैटिक रहा तभी चलेगा। इंटरव्यू क्वेश्चन, कैन वी इनहेरिट द स्टैटिक ब्लॉक? यस यस, वी कैन इनहेरिट द स्टैटिक ब्लॉक ऑल्सो। ओके, नाउ लेट मी क्रिएट वन इंटीजर आई इज इक्वल टू 10। ओके, क्या किया मैंने, इंटीजर आई इक्वल्स टू 10 लिखा, एक वेरिएबल, एंड नाउ हियर इफ आई ट्राई टू एक्सेस ई डॉट आई, एक्सेस है क्या मेरे पास? आई एम गेटिंग द एक्सेस, राइट? ठीक ही नहीं, मुझे इस स्टैटिक वेरिएबल जो है, सॉरी, ये जो वेरिएबल, इस वेरिएबल का भी एक्सेस मुझे मिल रहा है। व्हाट इफ आई मेक इट एज अ स्टैटिक, अगर मैंने इसको स्टैटिक वेरिएबल बनाया तो मुझे वो एक्सेस देगा क्या? यस, सी यहाँ पे दे रहा है, सिंबल भी चेक करो, यस बोल के दिया, यानी कि स्टैटिक है। समझ में आ रहा है गाइस? एक्सेसिबल है, राइट। अभी आप ठीक तरह से लिखो, यानी कि कहीं पे तो प्रिंट करना चाहते हो तो प्रिंट करो, ओके, सी डॉट आई, तो इन दैट वे इट विल वर्क। स्टैटिक फील्ड ग्रैंड पेरेंट आई, हाँ, शुड बी एक्सेसिबल इन स्टैटिक वे। वो स्टैटिक वे बोल रहा है, उसको एक्सेस कैसे करना है उसकी चीज बता रहा है, ओके। यानी कि वो बोलता है यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट करके कर रहे हो ना आप, बोलेगा तो बोलेगा ग्रैंड पेरेंट डॉट आई एक्सेस करो, प्रिंट करना है, बट यहाँ पे सी डॉट जब वो दे रहा था तो वी आर गेटिंग दिस वन, मुझे एक्सेस दे रहा है। गेटिंग माय पॉइंट? सुनना, इफ आई से कैन बी इनहेरिट स्टैटिक ब्लॉक्स, आंसर इज यस। कैन वी इनहेरिट द स्टैटिक वेरिएबल्स? यस, ओके। इंटरव्यू क्वेश्चंस, समझ में आ रहा है सबको यहां तक? यस गाइस, रिप्लाई मेरे चैट बॉक्स फास्ट, जितना क्विक आपका रिस्पॉन्स रहेगा उतना क्विक हम आगे बढ़ते जाएंगे। स्टैटिक का कॉन्सेप्ट आ गया ना? हाँ, यस, वेरी गुड वेरी गुड, थैंक यू। चलेंगे, सुना, अभी देख, अभी हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ओके, थोड़ा सा आगे बढ़ते। नाउ देख, नाउ व्हाट आई विल डू, इफ आई क्रिएट द ऑब्जेक्ट ऑफ ग्रैंड पेरेंट इक्वल्स टू न्यू ग्रैंड पेरेंट, ओके, तो इस ऑब्जेक्ट में, जीपी जो मेरा ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट में आई वॉन्ट, इस इंस्टेंस में, आई जस्ट क्रिएट इंस्टेंस, तो इसमें आई वॉन्ट टू क्रिएट द ऑब्जेक्ट ऑफ पेरेंट,
पॉसिबल है क्या? क्या कर रहा हूँ मैं? ग्रैंड पेरेंट का मैंने इंस्टेंस बनाया, इंस्टेंस वेरिएबल, और उसमें मैंने अलोकेट कर दिया किसको, पेरेंट का ऑब्जेक्ट, राइट। इस साइड में किसके ऑब्जेक्ट है? पेरेंट क्लास के। ओके सो मुझे एक्सेसिबल जो रहेंगे वो डिपी डॉट, जब मैं बोलूंगा तो पेरेंट क्लास के भी मुझे मेथड्स मिल जाएंगे। ओके और इसके भी मिल जाएंगे, समझ में आ रहा है? तो ये पॉसिबल है क्या? है। नाउ इफ आई विल गो टू इनटू द रिवर्स, मतलब मैंने बनाया चाइल्ड क्लास, चाइल्ड सी एच इज इक्वल्स टू न्यू पेरेंट्स, ये चलेगा क्या? क्या बोलता है? टाइप मिसमैच, कैन नॉट कन्वर्ट फ्रॉम पेरेंट्स टू चाइल्ड, यानी कि अपने डायग्राम में बता रहे हम क्या कि राकेश रोशन, ऋतिक रोशन, राइट, इनके प्रॉपर्टीज इसके पास आ गए, राइट, बट यहाँ पे क्या बोल रहे हैं हम, चाइल्ड के प्रॉपर्टीज आपके पेरेंट में दो, राइट, चाइल्ड के प्रॉपर्टीज में आप पेरेंट को इंजेक्ट करो, हु इज द लार्जर वन, राकेश रोशन, राइट। तो राकेश रोशन का बेटा ऋतिक रोशन है, बट ऋतिक रोशन का बेटा राकेश रोशन है, ऐसे चलेगा क्या? नहीं, ये नहीं चलने वाला, तो यहीं पे आपको एरर मिल जाएगा, कंपाइल टाइम एरर ही बोल देगा। हाँ, अगर आपको ऐसे करना ही है तो यू कैन कास्ट कर दो उसको पेरेंट को चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बोल के उसको कास्ट करें, समझ में आ रहा है गाइस? वी नीड टू परफॉर्म द एक्सप्लिसिट टाइप कास्ट, समझ में आ रहा है कि थोड़ा सा बाउंसर होते जा रहे हैं इनहेरिटेंस, नहीं ना? वी कैन सेव द चाइल्ड ऑब्जेक्ट इनटू पेरेंट, यू कैन सेव, कैन सेव चाइल्ड ऑब्जेक्ट इनटू पेरेंट, ओके, बट इन रिवर्स नॉट अलाउड। ओके ये स्टेटमेंट याद रखना, ये भी इंटरव्यू वाला ही है, तो आपके रेफरेंस के लिए मैं यहाँ पर डाल दी। इसे हम कहते हैं एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग। ओके फाइन, ये चीज भी समझ में आ गया? कोई डाउट है? ओके यस, होप सो देयर विल नॉट बी एनी डाउट्स, राइट। फाइन ठीक, यहां तक ओके। सो नाउ सी, ना मैं क्या करता हूं, हमने ना इनहेरिटेंस में देखा, मेथड्स भी देखे, ब्लॉक्स भी देखे, वेरिएबल्स भी देखे, व्हाट इफ आई क्रिएट द कंस्ट्रक्टर्स। ओके कंस्ट्रक्टर मैंने क्रिएट किया तो क्या होगा? देखो कंस्ट्रक्टर में क्या हो गया, यहाँ पे ग्रैंड पेरेंट कंस्ट्रक्टर, ओके, तो मैंने ग्रैंड पेरेंट कंस्ट्रक्टर बना दिया। अभी मैं पेरेंट में जाता हूँ, यहाँ पे कंस्ट्रक्टर बना देता हूँ, पेरेंट पी कंस्ट्रक्टर, ओके एंड नाउ लेट मी राइट दिस इज आउट।
कंस्ट्रक्टर। ओके सो नाउ हियर आई विल हैव द चाइल्ड कंस्ट्रक्टर। चाइल्ड कंस्ट्रक्टर ओके। हर एक क्लास में हमने उनकी उनकी कंस्ट्रक्टर लिख दी। ओके फाइन। सो नाउ इफ आई गो हियर एंड इफ आई क्रिएट, ये मैं हटा देता हूँ। ओके तो चाइल्ड का सी इक्वल्स टू न्यू चाइल्ड सी इक्वल्स टू न्यू चाइल्ड। इतना अगर मैंने लिखा, अभी मुझे बताओ सीक्वेंस क्या रहने वाला है। ये इंस्टेंस ब्लॉक हटा दूं मैं तब तक। रिमूव दीज इंस्टेंस ब्लॉक्स, इनके आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन कम हो जाएगा। नाउ इफ आई रन दिस, क्या सीक्वेंस में प्रिंट करेगा बताओ। हाँ रन दिस ग्रैंड पैरेंट कंस्ट्रक्टर, पैरेंट कंस्ट्रक्टर एंड देन चाइल्ड कंस्ट्रक्टर। मैंने किसका कंस्ट्रक्टर कॉल किया है, किसका ऑब्जेक्ट बनाया मैंने, चाइल्ड का। तो सबसे पहले इसने ग्रैंड पेरेंट कंस्ट्रक्टर क्यों दिखाया, यानी कि सबसे पहले उसने ये वाला एग्जीक्यूट किया देन ये वाला, राइट देन दिस वन। और मैंने ऑब्जेक्ट किसका बनाया, चाइल्ड सी का। तो ये सीक्वेंस में क्यों प्रिंट किया, इट शुड बी लाइक चाइल्ड का कंस्ट्रक्टर है ना, तो पहले कहाँ पे जाना चाहिए, चाइल्ड क्लास, यहाँ का ये कंस्ट्रक्टर प्रिंट करना चाहिए देन इसका ये कंस्ट्रक्टर देन ये वाला कंस्ट्रक्टर। तो उसने ऐसे क्यों प्रिंट किया, इंटरव्यू क्वेश्चन बताओ। इसका आंसर दोगे तभी हम आगे बढ़ने वाले हैं। लेट्स सी कौन देगा आंसर। अनम्यूट योर सेल्फ, नो प्रॉब्लम, बैकग्राउंड नॉइज रहने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं, बट आई एम एक्सपेक्टिंग द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन फ्रॉम एवरीवन। हमने एक्सचेंज किया है क्लास को, तो करने दो ना। एक्सचेंज किया है इसलिए तो सारे कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट हो रहे हैं, राइट। कंस्ट्रक्टर इनहेरिटेंस, और क्या होता है इधर, बिकॉज ऑफ द हायरार्किकल। ओके नहीं, देखो आंसर गलत रहने दो, प्रॉब्लम नहीं है, बट आंसर दो, थिंक ऑन इट। हमने सीखा है कुछ तो भी जब हम कंस्ट्रक्टर्स को कॉल दे रहे थे, कंस्ट्रक्टर के बारे में सोचो, कंस्ट्रक्टर में कुछ होता है क्या। सुपर कीवर्ड, करेक्ट आंसर बाय पूजा, राइट। इस कंस्ट्रक्टर्स फर्स्ट लाइन क्या होता है गाइस, हर एक कंस्ट्रक्टर में। ओके फर्स्ट लाइन क्या होता है, यहां पे चाइल्ड में आया मैं, चाइल्ड का कंस्ट्रक्टर है मेरे पास। ओके तो इस कंस्ट्रक्टर में इन द मोस्ट बिगिनिंग फर्स्ट लाइन क्या रहेगा मेरा, सुपर कीवर्ड, राइट। यहाँ पे देखो उसने क्या किया, मैं जब मैं सुपर लिख रहा हूं क्या बता रहा है, सुपर ऑफ पेरेंट, राइट। यानी कि यहाँ पे आया, यहां से चला गया पेरेंट में,
जो पेरेंट कंस्ट्रक्टर में जाएगा तो यहाँ पे भी एक सुपर रहने वाला है ना, तो सुपर किसका रहने वाला है, ग्रैंड पेरेंट, राइट। तो ग्रैंड पेरेंट में जब हो जाएगा तो इसका भी एक सुपर रहने वाला है, इसका सुपर कौन रहेगा, ऑब्वियसली सबके पापा, ऑब्जेक्ट क्लास, वो तो ऑटोमेटिक, यानी कि दिस सुपर कीवर्ड इज इनविजिबल टू अस, ओके, इनविजिबल रहता है, मिस्टर इंडिया ही है लेकिन दिखेगा नहीं, समझ में आ रहा है, है लेकिन दिखेगा नहीं, घड़ी पहन लिया उसने, चालू कर दिया उस, ओके, ये है मेरा सुपर। तो हर एक कंस्ट्रक्टर में माय फर्स्ट लाइन इज अ सुपर, तो सुपर में क्या होता है, सुपर के बारे में एक लाइन बोला था मैंने, क्या, वी ऑलवेज हैव अ कॉल टू सुपर मेथड और सुपर क्लास कंस्ट्रक्टर, राइट। तो सुपर क्लास कंस्ट्रक्टर में रहेगा तो क्या करेगा, यहाँ पे आ गया, ऑब्जेक्ट बनाया किसका, चाइल्ड का, तो यहाँ पे चला गया चाइल्ड में, फर्स्ट बोलेगा सुपर, अरे ये वाला, तो यहाँ से चला गया कहाँ पे चला गया, पेरेंट के सुपर में, यहाँ से चला गया यहाँ पे ग्रैंड पेरेंट के कंस्ट्रक्टर में, तो उसने ये वाला प्रिंट किया, राइट, देन यहाँ पे आया ये वाला प्रिंट किया, देन यहाँ पे आया ये वाला प्रिंट किया, गेटिंग माय पॉइंट गाइस, यस एवरीवन, ये कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है, ये जो कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ ना मैं, ऐसे ढूंढ ढूंढ के निकाले हुए कॉन्सेप्ट से जो कि इंटरव्यू के लिए लगने वाले हैं, ये दिमाग में सारे ऐसे छाप लो सारे ये कॉन्सेप्ट, और ये सारे इंप्लीमेंट करो, जब तक आप पूरे इंप्लीमेंट नहीं करोगे ना तब तक आपके दिमाग में नहीं बैठने वाले, और छोटे छोटे से प्रोग्राम्स है, कॉन्सेप्ट बहुत छोटे छोटे और मजेदार है, ये सारी चीजें जब हम इंप्लीमेंट करते बैठते हैं ना तो मजा आता है, तो सोचिए एक्चुअल में जब डेवलपमेंट करते हैं ना आप, अगर आपको प्रोग्रामिंग आ रहा है, आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो कितना मजा आएगा, डेवलपमेंट इज वन आर्ट एक्चुअली, राइट। क्योंकि ये सारे कॉन्सेप्ट हम उसमें डाल देते हैं, एक अलग ही मजा आता है प्रोग्रामिंग करने में, क्योंकि सिर्फ कॉन्सेप्ट हमें मालूम रहते, आम आदमी लोगों को मालूम नहीं रहते, वी नो ओनली ये क्या मैजिक क्या हो रहा है ये। जब हम विड्रॉल के बटन को प्रेस कर देते हो, एटीएम पैसा कैसे दे रहा है लोगों को मालूम है, एटीएम से पैसे आ रहा है, राइट, लेकिन हमें मालूम होता है कि बैकग्राउंड में क्या क्या हो रहा है, राइट, ठीक ही नहीं, प्रोग्रामर्स डेवलपर्स उसमें ये सारे कॉन्सेप्ट लगाए जाते, गेटिंग माय पॉइंट गाइस, इज इट क्लियर टू एवरीवन, चलेगा। तो नाउ थोड़ा सा अभी टाइम लगती है, लेट मी एटलीस्ट स्टार्ट द वन न्यू टॉपिक, ओके, सेव कर देता हूँ मैं, नाउ विल सी द नेक्स्ट सेशन, कौन सा होगी, 21, लेट मी गिव 21, और मैं यहाँ पे वी आर गोइंग टू स्टार्ट फॉर द पॉलीमॉर्फिज्म, ओके, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट, ओओपी, ओके, क्या कहते हैं ओओपी, यानी कि ओओपी, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ओके, ओओपी कहते हैं उसे हम, ओके, सुना है क्या ये नाम, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, एनीवन, मोस्टली सबने सुना होगा, अदर देन मैकेनिकल और प्रोडक्शन गाइड छोड़ के, जिनको प्रोग्रामिंग का बिल्कुल टच नहीं है उनको पता नहीं रहेगा मे बी, सो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड यानी कि अभी आपको पता चल गया होगा कि यहाँ पे जो हम प्रोग्रामिंग कर रहे हैं सारा खेल कहाँ पे चल रहा है, ऑन ऑब्जेक्ट, राइट, सब कुछ इस पे ही चल रहा है, ऑब्जेक्ट पे ही, तो दैट इज नथिंग बट द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, और ये जो कॉन्सेप्ट से हमने जो देखे हुए हैं, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म,
ये जो सारे अभी जो हम सीखते जा रहे हैं ना, 2000 नथिंग बट दी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट्स। ओके अगर प्रोग्रामिंग में आपको अगर पूछा उन्होंने, सॉरी उन इंटरव्यूज इफ इंटरव्यू आस्क यू व्हाट आर द ओपी कॉन्सेप्ट्स, तो यू कैन इजीली टेल द क्लास ऑब्जेक्ट इनहेरिटेंस पॉलीमॉर्फिज्म, बहुत सारे आगे अब्स्ट्रैक्ट क्लास अब्स्ट्रैक्शंस, आगे बहुत सारी चीजें हम सीखने वाले हैं। ओके तो सारी चीजें क्या है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के फीचर्स। सो एक तो हमने देख लिया इनहेरिटेंस, वहां पे पेरेंट्स चाइल्ड रिलेशनशिप होता है एंड बाय यूजिंग द एक्सटेंड कीवर्ड वी आर गोइंग टू इम्प्लीमेंट इट, राइट। सो ना अभी हम देखने वाले हैं नेक्स्ट इज पॉलीमॉर्फिज्म। ओके पॉलीमॉर्फिज्म का हिंदी और मराठी मीनिंग क्या है, कोई बता सकता है? पॉली का मतलब क्या है, व्हाट मीनिंग ऑफ दिस पॉली? पॉली यानी कि मीनिंग और मल्टीपल, ओके पॉली का मीनिंग क्या है फिर? पॉली का, पॉली मीन्स मेनी और मल्टीपल, ओके। और मॉर्फ का मीनिंग क्या है? मॉर्फ मीन्स फॉर्म, ओके फॉर्म। अभी फॉर्म यानी कि क्या, कि टाइप्स वेज, ओके। सो पॉलीमॉर्फिज्म यानी कि मेनी वेज, मल्टीपल वेज, मल्टीपल फॉर्म्स, ओके। फॉर एग्जाम्पल नाउ अभी यहाँ पे राजेश है अपने पास, ओके राजेश, फाइन। राजेश इज अ स्टूडेंट, उसका एक फॉर्म है, राइट। इज अ फ्रेंड, वो भी एक फॉर्म है, राइट। फ्रेंड है, स्टूडेंट है, पेरेंट हो गया राजेश, हस्बैंड, यस यस ओके राइट। देन ही इज अ क्रिकेटर समझ लो, ही इज अ डेवलपर, राइट। यानी कि एक ही बंदा है लेकिन फॉर्म देखो कितने हो इसके, राइट। द राजेश हैज मेनी फॉर्म, यानी कि हर एक बंदा है, हर एक बंदे के बहुत सारे फॉर्म है, यानी कि वो बहुत सारे रोल कर रहा है, राइट। बहुत सारे रोल्स वो कर रहा है, एक ही बंदा है, तो दैट इज नथिंग बट दी पॉलीमॉर्फिज्म। ओके एक ही नाम राजेश, राजेश इज अ स्टूडेंट, राजेश इज अ फ्रेंड ऑफ समवन, राजेश इज अ पेरेंट, राजेश इज अ हस्बैंड, राजेश इज अ क्रिकेटर, ही इज अ डेवलपर, राइट। सो बहुत सारे फॉर्म्स है राजेश के। सो द नेम इटसेल्फ पॉलीमॉर्फिज्म, मेनी फॉर्म्स, मल्टीपल फॉर्म्स, ओके। तो अभी देख अपने जावा में, ओके जावा जो है बेस्ड है चार चीजों पे, एक क्या है वेरिएबल्स, राइट। दूसरा क्या है अपने पास ब्लॉक्स, राइट। तीसरा क्या है क्लासेस, राइट। देन चौथा क्या है अपने पास मेथड्स, राइट। यही सारे पे डिपेंड है ना अपना जावा प्रोग्रामिंग, यही तो यूज कर रहे हैं अभी तक हमने जो कुछ भी देखा, बस ये चार ही चीजों पे खेल रहे हैं हम। तो देखो वेरिएबल्स के मल्टीपल फॉर्म्स हो सकते हैं क्या, यानी कि मैंने अगर इंटीजर आई लिखा, ओके इंटीजर आई लिखा तो फिर से मैं फ्लोट आई लिख सकता हूँ क्या, इज इट पॉसिबल? यस। यानी कि यहां पे मैंने अगर इंटीजर आई लिख दिया, ओके तो फ्लोट आई चलने वाला है क्या? यस चलेगा फ्लोट आई, डुप्लीकेट फील्ड,
राइट, समझ में आ रहा है? डुप्लीकेट फील्ड, यानी कि क्या कहता है कि आपके वेरिएबल्स के मल्टीपल फॉर्म्स नहीं हो सकते, राइट? यानी कि ये तो चला गया, राइट? ब्लॉक्स, ब्लॉक्स को तो नाम होते ही नहीं है, राइट? ब्लॉक्स को नाम है नहीं तो ये तो एलिजिबल ही नहीं है, राइट? नेक्स्ट क्या है? क्लास, क्लास क्या है अपना? ये ब्लूप्रिंट है, राइट? ब्लूप्रिंट है, यानी कि यहाँ पे मैं सेम क्लास क्रिएट करके देखूं चलेगा? इफ आई क्रिएट दी यहाँ पे न्यू क्लास ग्रैंड पेरेंट, देख क्या बता रहा है यहाँ पे, देख टाइप ऑलरेडी एग्जिस्ट, राइट? ये तो ग्रैंड पेरेंट नहीं बना सकता बोल रहा है, क्यों? ऑलरेडी तेरे पास है यहाँ, सो वी कैन नॉट हैव द मल्टीपल फॉर्म्स ऑफ दिस क्लास आल्सो, राइट? तो बाकी क्या बचा अपने पास? यस, क्या है अपने पास? देन मेथड, राइट? मेथड्स, तो मेथड्स के नाम सेम हो सकते हैं क्या? यस, ओके। एक ही मेथड बनाओ जो कि आपके वहां पे मल्टीपल काम करेगा, यानी कि देखो मेरे क्लास में, मेरे क्लास में मैंने क्या किया, एक ऐड मेथड बनाया, ओके। ये ऐड मेथड से प्रिंट करेगा, मैंने और एक ऐड मेथड बनाया जिसमें इंटीजर आई लेगा, ओके, और एक इंटीजर, सॉरी, और एक इंटीजर, और एक इंट जे लिया, अलाउड है क्या? यस अलाउड है, सो दैट इज नथिंग बट द पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म हम किस पे बनाएंगे? पॉलीमॉर्फिज्म ये जो कॉन्सेप्ट है किस पे अप्लाई होता है? नॉट ऑन अ वेरिएबल्स, नॉट ऑन अ ब्लॉक्स, नॉट ऑन द क्लासेस, ओनली ऑन द मेथड्स, ओके। मेथड्स पे ही हम पॉलीमॉर्फिज्म अभी अप्लाई करते हैं। अभी चलो, तो कुछ रूल्स है उनके, तो रूल्स क्या क्या है बताता है। हैविंग अ सेम नेम, ओके। तो एक्चुअली इसमें भी दो टाइप्स है पॉलीमॉर्फिजम्स के, टू टाइप्स ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म, ओके। एक है मेथड ओवरलोडिंग, मेथड ओवरलोडिंग, ओके, एंड दूसरा है मेथड ओवरराइडिंग, ओके। मेथड ओवरराइडिंग को हम कहते हैं स्टैटिक बाइंडिंग आल्सो, तो क्यों कहते हो आपको पता चलेगा, स्टैटिक लिए हो, स्टैटिक बाइंडिंग, ओके, इसे कहते हैं डायनामिक बाइंडिंग। ये प्रैक्टिकली देखेंगे सारी चीजें, बोलते हैं। तो अभी यहाँ पे क्या रूल्स है? मेथड ओवरराइडिंग का रूल क्या कहता है कि मेथड नेम जो है, इसमें राइट इट हियर इन फ्रंट ऑफ दिस ओनली, यानी कि आपको पता चलेगा। फर्स्ट रूल, फर्स्ट रूल कहता है मेथड नेम मस्ट बी सेम, ओके। मेथड नेम जो है वो सेम रहना चाहिए, दैट इज द फर्स्ट रिक्वायरमेंट। सेकेंड रिक्वायरमेंट क्या है? लिस्ट ऑफ आर्ग्यूमेंट्स, तो लिस्ट ऑफ ऑफ
arguments. Must be different. यानी कि जो लिस्ट ऑफ आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, हम जो आर्ग्यूमेंट्स पास करते हैं वो डिफरेंट होने चाहिए. एंड लास्ट वन इज मेथड मस्ट बी, मेथड मस्ट बी क्रिएटेड इन सेम क्लास, उसी क्लास में क्रिएटेड रहना चाहिए. सो दीज आर द थ्री रूल्स फॉर द और सिंपल मेथड और है. समझ में आ रहा है? मेथड ओवर राइडिंग, सॉरी मेथड ओवरलोडिंग के तीन रूल्स है. तो दीज आर द थ्री रूल्स. मेथड नेम सेम होना चाहिए, लिस्ट ऑफ आर्ग्यूमेंट्स डिफरेंट होने चाहिए, और एक ही क्लास में बनाए रहने चाहिए सारे. ओके, सो दैट इज नथिंग बट द मेथड ओवर लोडिंग. यानी कि कैसे, जैसे कि हमने अभी बताया मेरे पास एक ऐड है, ये ऐड मेथड में कुछ भी पैरामीटर नहीं ले रहा है. मैंने फिर से एक ऐड लिखा मेथड जहाँ पे वो इनपुट ले रहा है आई और जे. मैं और एक मेथड लिख देता हूँ ऐड, यहाँ पे इनपुट लेगा फ्लोट एफ एंड देन फ्लोट एच, राइट. तो मैंने और एक ऐड मेथड बनाया ऐड, जिसमें वो स्ट्रिंग लेता है स्ट्रिंग एस और देन स्ट्रिंग एस टी आर. तो अगर हम डेफिनेशन को अगर ठीक तरह से भी देखेंगे, देखो और ये सब क्या है, क्लास में, एक ही क्लास में है. ऑल दीज थिंग्स आर इन सेम क्लास, ये जो चल रहा है सब कुछ एक ही क्लास में है. और ये मेरे मेथड से, ओके, जिसमें कुछ कोड लिखा हुआ है, एडिशन का कोड, आई हैव रिटन सम एडिशन वाला कोड. ओके, फाइन. तो देखो पहला रूल क्या कहता है, मेथड नेम मस्ट बी सेम. देखो मेथड नेम क्या है, यहाँ पे ऐड 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 ऐड, ओके, ठीक है, मेथड नेम मस्ट बी सेम. तो चलो पहला रूल तो सेटिस्फाई हो गया. देन लिस्ट ऑफ आर्गुमेंट मस्ट बी डिफरेंट. अभी यहाँ पे लिस्ट ऑफ आर्गुमेंट, पहले में क्या है, कुछ भी आर्गुमेंट्स नहीं है. सेकेंड में इंटीजर आई जे है, थर्ड में फ्लोट है, यहाँ पे स्ट्रिंग है. चलो मैं और एक लिख देता हूँ ऐड इंटीजर आई देन फ्लोट देन फ्लोट एफ. ओके, ये चलेगा क्या, दिस वन विल वर्क, चलेगा कि नहीं, ये भी चलेगा बिकॉज लिस्ट ऑफ आर्ग्यूमेंट्स अलग है. अगर मैंने यहाँ पे और एक मेथड बनाया यहाँ पे और लिखा एड इंट एक्स कॉमा इंटीजर वाई, अभी चलेगा कि नहीं बताओ दिस वन. आप बोलोगे सर लिस्ट ऑफ आर्ग्यूमेंट्स तो अलग है, इंटीजर आई इंटीजर जे है और यहाँ पे इंटीजर एक्स इंटीजर वाई है, चलना चाहिए. नहीं, जावा कंपाइलर क्या करता है, यहाँ पे चेक करता है डेटा टाइप्स नॉट द नेम ऑफ द वेरिएबल्स. ये इंटीजर 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 इंटीजर, राइट. तो ये अलाउ नहीं करेगा, ये नहीं चलने वाला, राइट. विल सी ऑल दीज थिंग्स इन अ प्रैक्टिकल वे. बट यहाँ पे जो हम कंडीशन देख रहे थे, थ्री कंडीशंस, ओके लेट मी रिमूव दिस. ओके, थ्री कंडीशंस, द मेथड नेम मस्ट बी सेम, सबके मेथड नेम सेम है, लिस्ट ऑफ आर्गुमेंट डिफरेंट, हर रैक के लिस्ट ऑफ आर्गुमेंट्स डिफरेंट है, देन मेथड मस्ट बी क्रिएटेड इन सेम क्लास, एक ही क्लास के अंदर सारे क्रिएटेड है, बस दैट इज नथिंग बट द पॉलीमॉर्फिज्म. ये मेरा पॉलीमॉर्फिज्म है और ये मेरा मेथड ओवरलोडिंग, दैट्स इट.
इतना भी अगर आपने बताया इंटरव्यू में तो इनफ। ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है पॉलीमॉर्फिज्म? सिर्फ समझ के लो, प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करेंगे कल, बट यहां तक समझ में आ रहा है सबको? डू यू हैव एनी डाउट गाइस? यस, रिप्लाई मी क्विकली बिकॉज समवन इज लुकिंग फॉर दिस आईडी। आई हैव टू क्लोज दिस सेशन। Got it? Very good, very good, very good. Okay, yeah, fine then. चलेगा, great. So now, practice करो ये सारी चीजें जो हमने आज देखी हुई है. Okay? Inheritance के concept देखे हमने आज, types of inheritance देखे, वो सारी चीजें करके देखो. ओके आप खुद से ही जितने चाहे उतने कॉम्बिनेशंस में प्रोग्रामिंग करके देखो, एरर्स आने चाहिए, आपको खुद को ही पता चलेगा कि क्या है ये. ओके क्या अलाउड है, क्या अलाउड नहीं है, यू कैन अंडरस्टैंड इट इजीली. चलेगा, फाइन देन. लेट मी स्टॉप माय स्क्रीन. चलो देन, हैव अ गुड डे. विल स्टॉप हियर. बाय बाय एंड थैंक यू फॉर द लिसनिंग.